Hi, Michael. How are you? Fine. Everything is ready. But there is a little negotiation in the amount. Wait a minute. I'll talk to you. भाई, भाई मुझे माफ कर दो. मैंने आपकी कितनी हेल्प की है. तूने मेरी बहुत हेल्प की है. तू मेरा वफादार भी रहा है. लेकिन वफादारी या काम देखूंगा तो काम जरूरी है. भाई, भाई मैंने मना किया था लेकिन तू दूसरी पार्टी से बात करके आया. उनसे मिलने के लिए तारीख भी तय किया. माफ कर दो. नहीं भाई, इसीलिए बात करने का कोई फायदा नहीं. मुझे हाय माइकल, एक बात क्लियरली बतानी है. इस बिजनेस को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो काम आसानी से नहीं कर पाओगे. इसीलिए मेरे टर्म्स एक्सेप्ट कर लो. We need to accept. This is the last hope. He has accepted. Good. Bye. लाश इसके घर के सामने डाल दो, तभी इसके साथ रहने वाले कॉकल आएगी. जाओ. अरे ये कैसे हो गया? महेश, कल तक सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो. ओके सर. स्टैबिंग इज जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड इंजर्ड कंप्लीटली. गॉलब्लैडर इज आल्सो इंजर्ड. ऑन द राइट थंब इंप्रेशन ऑन द नेक शोज द इंजरीज टू द लैरिज. तो जिसने मारा वो लेफ्ट हैंडेड था ना डॉक्टर? या ऑफ कोर्स. इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है. इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है. यू ऑल अंडरस्टूड? ऑल क्लियर नाउ? ओके, नाउ इट्स योर टर्न. सर, कान में मशीन नहीं लगाया. सर, क्या केस है सर? अबे जरा इनसे बुलवा ले. बोलो भाई. कल ये खून हुआ था ना, अक्यूज्ड को सरेंडर करवा दिया ना? बता तो ऐसे रहो जैसे खुद ने ही ढूंढा हो. वो खुद ही आकर सरेंडर हुआ है. करो. इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है. इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है. सर, इस केस में जो खूनी है वो लेफ्ट हैंडेड है, ऐसा सॉलिड एविडेंस इसमें है सर. बट यहाँ पर तो सरेंडर होने वाला राइट हैंडेड है सर. इसमें कुछ तो गलत बात लग रही है. सही कहा, गलत तो लग रहा है. मुझे पता है उसने खून नहीं किया. पता होने के बाद भी सर? ए, देखो, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो. मेरे काम में दखल मत दो. चलो जाओ. अक्यूज को सजा दिलवाना, यही मेरी ड्यूटी है सर. ए, चलो जाओ. अरे बोला ना, जाओ. महेश, शुक्रवार को कोर्ट में ये एविडेंस देना होगा. हाँ भाई, एविडेंस ढूंढते ढूंढते गलती को छुपाकर हम पुलिस वाले खुद ही गलती करने लग गए हैं. अच्छा नहीं लगता ये सब. हाँ भाई, अच्छा तो नहीं लगेगा, अपमान लगेगा, बुरा भी लगेगा. यहाँ ऐसे ही होता है. जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उस वक्त मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी ही आग थी. लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है. अब इसी केस में देखो, जो मरा वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी. अब उन दोनों के बीच में न्याय को खड़ा करके तुम क्या उखाड़ने वाले हो? करेक्ट है सर. मर्डर केस में न्याय को सामने खड़ा करके कुछ उखाड़ने वाले नहीं है. लेकिन चोरी का केस होता तो कुछ खर्चा पानी मिल जाता. केरला में जो 500 तोला गहने मिले थे उसके बारे में बोल रहे हो ना? डीसी खुद सामने आकर 400 तोला देने के लिए बोले और हमने दे दिया. तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के गहनों का झोल मैंने किया? पीड़ित व्यक्तियों को अनऑफिशियली बुलाकर मैंने और मुर्गन ने वो गहने सौंप दिए. किसी भी तरह वो 400 तोला बुरे रास्ते से निकल गया ना. और ये गलती हुई किससे? हम पुलिस वालों से ही ना सर. अरे सुनो, पूरा अधिकार हमारे हाथ में नहीं है. इसीलिए कुछ अच्छे कामों के लिए इस तरह के बुरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं. हम पुलिस वालों की भी कुछ सीमाएं हैं. जाकर भी कोई पुलिस वाला अकेले कुछ नहीं कर सकता. ऊपर से जो ऑर्डर आता है हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है. देखो महेश, ये सब एक चेन है और हम लोग सिर्फ एक लिंक है. आइडिया तो हजार दे सकते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते. आपसे नहीं होता तो आप हट जाइए सर, लेकिन हम तो अपना काम करके रहेंगे. जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब एक शौक लगने जैसा केस तुम्हारे हाथ में आएगा. फिर देखना, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या जान. कौन तुम्हें कहां से मारेगा ये पता भी नहीं चलेगा. तुम एक सच्चे पुलिस वाले हो ना, तो फिर एक ऐसा केस पकड़ो, उसके बाद मुझसे बात करना. समझे? हाँ? तू बोल रहा दिखता नहीं क्या? क्या कर रहा तू ये? जब देखो जब फ्लाइट का फोटो चिपका था ना, चल इधर ला. छोड़ थोड़ी से, छोड़ तेरी तो. ए कहाँ भाग रहा तू? इधर आ. दादा दादा दादा, रुक. मैं बोला ना रुक. ए क्या
क्या भाई, छोटे बच्चे को क्यों मार रहे हो? सर ये देखो क्या करता रहता है ये, जब देखो जब फ्लाइट के फोटो चिपकाता रहता है। काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा इसका मैं, मार दूंगा तेरा मैं, चल पकड़ जा। छोटा बच्चा है बेचारा, रोजी रोटी कमा रहा है। सर छोटा बच्चा है तो क्या काम किए बिना छोड़ दूंगा? एजेंट हर महीने पैसे लेके जाता है सर, इनसे काम नहीं करवाऊंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? चलता हूँ सर। क्या महेश, कल बड़े अधिकारी ने सुनाया वही सोच रहा है क्या? अरे वो लोग तो सुनाते ही रहते हैं, मुझे देख कितनी डांट पड़ती है ना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। कितने अक्यूज्ड आने जाने वाले मेरे थोबड़े पर थूक कर गए होंगे। अरे उनकी चिंता करूं तो जीना मुश्किल हो जाएगा यार। आप चाहे तो देख लो भाई, लेकिन मैं एक दिन जरूर बड़ा केस पकड़ूंगा। मैं भी कभी ऐसे ही बोलता था, लेकिन तेरे बारे में मुझे पता है, तू एक दिन जरूर बड़ा केस पकड़ेगा, फिर वो बड़े अधिकारी तेरी तारीफ करेंगे। उतना ही ना, अच्छा तेरे प्यार के लिए मैंने एक नया रास्ता निकाला है, उसका नाम रखा है पजेसिवनेस। छोड़ो यार। अबे